अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक हो? खैरियत से? तस्वीर देखकर आप समझ ही गए होंगे आज किसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जी, ये है अलीज़े शहर। मैंने जानता कहाँ ये कहाँ से है और इसका गांव कौन सा है, मैं कुछ भी नहीं जानता। मैं इसका सब्सक्राइबर हूँ, मैं इसके व्लॉग्स वगैरह देखते रहता हूँ। मैंने देखा इसका व्लॉग सर्च करने के लिए अलीज़े शहर, जब यूट्यूब पर सर्च किया तो बहुत सी वीडियो आ गई जिस पर लिखा हुआ था अलीज़े शहर ऐसी है, अलीज़े शहर वैसी है, अलीज़े शहर को ये काम नहीं करना चाहिए था, ये जो काम कर रही है फलां फलां। यार, एक तो वो तुम्हारी कुछ लगती नहीं, अगर कुछ लगती भी है तो फिर उसे रोक के बिठाओ घर पर, उसको कैमरे के सामने ना आने दो, उसे बोलो कि ये काम ना करे अगर तुम्हारी उससे बनती है तो। नहीं तो जो उसकी मेरे ख्याल में वीडियोस बनाता है वो उसका खावंद है या घर वाला है या भाई है, जो भी है वो उसके साथ उसके घर वाले मिले हुए हैं जिसकी वजह से उसको सपोर्ट है और वो वीडियोस बना रही है। नहीं तो ऐसे कोई भी लड़की घरेलू औरत ऐसे ही उठा के मोबाइल उठा के वीडियो बनाना शुरू नहीं कर देती जब तक उसको उसके घर वाले इजाज़त ना दें, और फिर उसको तनकीद की जा रही है कि तुम इतने टाइट जी, तो उसके टाइट कपड़े पहनने पर बहुत से लोगों ने उस पर तनकीद की। उसके इर्द गिर्द के लोगों ने उसे यूट्यूब छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उस पर बहुत सी वीडियोस बनाई गईं जिससे उसको बहुत मुश्किलों का उसको सामना करना पड़ा। एक बार तो वो रो पड़ी और उसने यूट्यूब पर ऐलान भी कर दिया कि मैं अब यूट्यूब छोड़ रही हूँ, मैं आज के बाद वीडियोज़ नहीं बनाऊंगी, मुझे ऐसे ऐसे लोग बैड कॉमेंट्स कर रहे हैं। देखो, अगर सोशल मीडिया पर आना है तो ऐसा तो होता ही है। कोई भी अगर उभर रहा हो, कोई मशहूर हो रहा हो या कोई तरक्की कर रहा हो, जिस लिहाज से भी हो, चाहे वो बुरे कामों से हो या अच्छे कामों से हो, सोशल मीडिया पर अगर कोई तरह वायरल हो रहा है तो उसके पीछे उसके अपने या उसके इलाके के या कोई भी ऐसा ही मुंह उठा के उसको बैड कमेंट कर देता है। तो फिर वो बैड कमेंट की वजह से बहुत से उस बंदे को मुश्किल होती है, जिसकी वजह से उसकी फैमिली को उसको मुश्किल होती है। ठीक है, वो कर रही है, वो अपनी मर्ज़ी से कर रही है, जैसा भी कर रही है। अगर तुमको पसंद है तो उसको लाइक करो, फॉलो करो, नहीं है तो ना करो, लेकिन किसी को बुरा भला ना कहो, उसको बैड कमेंट्स ना करो। अगर उसको सपोर्ट नहीं कर सकते तो उसको बैड कमेंट्स भी ना करो। तो लोग ऐसे ही उन्होंने किया, लेकिन वो छोड़ रही थी, लेकिन उसने नहीं छोड़ा, उसको फिर उसने घर वालों ने हौसला दिया, फिर वो